नमस्कार, PCS इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हालिया खबर पर। हाल ही में विश्व बैंक ने कहा कि वह उसके द्वारा वित्त पोषित परियोजना विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी VPHEP की जांच एक स्वतंत्र पैनल से करने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि स्थानीय निवासियों द्वारा प्रोजेक्ट के कारण पर्यावरण क्षति होने की शिकायत की गई है। जान लेते हैं VPHEP प्रोजेक्ट के बारे में। इसका पूरा नाम विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 444 मेगावाट VPHEP का निर्माण टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना आंशिक रूप से केंद्र के स्वामित्व वाला उद्यम है। यह परियोजना मुख्य रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है और 2011 में स्वीकृत की गई थी। जल विद्युत परियोजना को 222 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 30 जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले के हेलंग गांव के पास अलकनंदा नदी में एक छोटा जलाशय बनाने के लिए 65 मीटर का डायवर्जन बांध बनाएगी। बात कर लेते हैं इससे जुड़ी शिकायतों की। परियोजना से हाट गांव में प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर नष्ट हो जाएगा। मंदिर स्थानीय लोगों के लिए एक सांस्कृतिक स्रोत संसाधन है और उनकी आजीविका का साधन है। ग्रामीणों ने दावा किया कि बांध से मलबा गिरने से मंदिर की दीवारों की वास्तुकला को खतरा है, जो एक प्राचीन विरासत स्थल है। स्थानीय लोगों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ एक पवित्र बंधन होने का दावा किया, जिसे कथित तौर पर 19वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। निवासियों को उनके गांव से जबरन विस्थापित किया जा रहा है। परियोजना में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाली आपदाओं को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। नजर डाल लेते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य बातों पर। उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाएं विशेष रूप से 2013 से केदारनाथ में आई बाढ़ के बाद से एक विवादास्पद मुद्दा रही हैं। उत्तराखंड में अन्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं टिहरी चरण 2 भागीरथी नदी पर 1000 मेगावाट, तपोवन विष्णुगढ़ धौली गंगा नदी पर 520 मेगावाट, सिंगोली भटवारी मंदाकिनी नदी पर 99 मेगावाट, पटाभुयांग मंदाकिनी नदी पर 76 मेगावाट, मध्य महेश्वर गंगा पर 15 मेगावाट और काली गंगा नदी पर 6 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के कारण होने वाली समस्याएं हैं घटती स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी VPHEP किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर राजस्थान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।